हे गाइस, मेरे शूट का पैकअप हो गया है और अब मैं जा रही हूँ घूमने। मैं कहाँ जा रही हूँ ये नहीं पता, बट जब मैं पहुंच जाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। जर्नी बिगिंस नाउ, लेट्स गो। Hey guys, मैं इस वक्त हरिद्वार में हूँ और मैं जा रही हूँ हर की पौड़ी। और माना जाता है कि हर की पौड़ी की बहुत ज्यादा मान्यता है, क्योंकि अगर आप हरिद्वार में आ रहे हो तो हर की पौड़ी में आके जरूर नहाना। और ये है हरिद्वार की मार्केट, वो मंदिर मनसा देवी का है। अगर आप हरिद्वार में आते हो तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, तो इतनी दूर अगर आए हो हरिद्वार तो मनसा देवी के भी दर्शन करके आ ही जाओ एक बार। कहा जाता है कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हो तो एक बार हरिद्वार की डुबकी लगा के, गंगा की डुबकी लगा के, उसके बाद मनसा देवी के दर्शन जरूर करें। और दूसरी साइड चंडी देवी का भी मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे भी दर्शन जरूर करें। ये है यहाँ की बहुत प्यारी प्यारी दुकानें, जहाँ पे खिलौने भी हैं बच्चों के लिए, चूड़ियाँ भी हैं, माला भी हैं, आप देख सकते हो, खाने के लिए आलू का पराठा भी है। अभी हम यहाँ से गंगा जी को पार करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हर की पौड़ी। और ये देखिए, ये है यहाँ के प्यारे प्यारे मिरर्स। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे आए हो हरिद्वार में तो गंगा जल लिए बिना तो आप जाओगे नहीं, तो गंगा जल भी जरूर लेना। और ये है हाथी, ये तरह तरह के रुद्राक्ष हैं। किसी को मेहंदी लगवानी है मेहंदी लगा सकते हैं, किसी को अपने नाम का छल्ला चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। इससे ब्यूटीफुल नजारा आप क्या ही देखोगे दुनिया में, बताओ। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड हरिद्वार। हेलो, ये है मछलियों को खिलाने की आटे की गोलियां। जब आप हरिद्वार में जाओ तो वहाँ पे ये मछली की गोलियां भी जरूर खरीदना, क्योंकि मछली को खिलाना शुभ माना जाता है। अच्छा, रात को नहीं अवेलेबल है तो ये चीज। ये मोहन जी पूरी वाले हैं, जहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है। सुना है मैंने कि यहाँ की पूरी बहुत, पूरी भाजी बहुत टेस्टी होती है, तो हरिद्वार में आए तो यहाँ की पूरी भाजी जरूर ट्राई करें। इतनी भीड़ देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ की पूरी भाजी कितनी टेस्टी होती है। और ये है हलवा मालपुआ, जो कि हरिद्वार का फेमस है।
हरिद्वार में सीसीटीवी है यार। ये है रिपोर्टिंग पुलिस चौकी हर की पौड़ी। अगर यहाँ पे कुछ भी आपका खो जाए तो यहाँ पे आके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी कोई भी चीज आपको जरूर मिलेगी। ये जूते चप्पल का स्टॉल है और अपने जूते चप्पल आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि आपको मंदिर में जूते चप्पल लेके तो जाओगे नहीं। और ये हम लोग हर की पौड़ी में आ चुके हैं, श्री गंगा प्राचीन मंदिर। दिस इज सो ब्यूटिफुल। और क्या, हाँ अच्छा, गाइस मुझे ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि हरिद्वार का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है और क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या मैं नहा पाऊंगी। मुझे नहीं लगता ये लड़की नहा पाएगी, बहुत ठंडा पानी है। हिप हिप हुर्रे। टीका लगा के हरिद्वार में, यार महाकाल का टीका ना लगाओ ऐसे कैसे हो सकता है।
नहीं भाई, इतने भी शिव जी नहीं बनना मुझे कि मैं रुद्राक्ष की माला भी पहन लूं। इनको देखो सिंगल सिंगल। कढ़ाई, ये है बड़े बड़े समोसे। एक एक समोसा, इन समोसे का साइज देखिए, चार के बराबर एक समोसा है। और ये है ये क्या है? हाँ हालूदा। थोड़ा सा थक गई हूँ तो इसलिए नींबू पानी पीना बनता है। गंगा जल हर हर महादेव। और ये है जो अपना खुद का कन्वेंस से आता है गाड़ी से बाइक से, वो यहाँ पे अपनी गाड़ी बाइक लगा सकता है। बहुत बड़ा है एरिया वहाँ पे, यहाँ पे आपको पार्किंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी की, आपकी गाड़ी सेफ भी है। हाँ ये हमारा डॉगी डू 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 डू। ये हूँ मैं। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से हरिद्वार के दर्शन किए होंगे। हाँ, और आपको मज़ा आया होगा गंगा मैया को देख के, हर की पौड़ी को देख के, पूरा हरिद्वार देख के, जितना मुझसे था जितना मैं घूमी वो सब मैंने वीडियो में कैप्चर कर लिया है।